तो अभी आरना मम्मी के बाल बना रही है, आरना मम्मी के बाल। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज की शुरुआत मतलब मैंने कैसे बोला कि आरना जो है मम्मी के बाल बना रही है, मतलब मैं बोलना चाह रहा था कि मम्मी जो है आरना के बाल बना रही है क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कल के व्लॉग में बताया था प्रीवियसली ऑन आरना भदौरिया व्लॉग्स कि हम लोगों को कल एक फिर से कहीं जाना है और वो काफी टाइम से हमसे मिलना चाहते हैं, वो काफी इंसिस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमारे घर आओ घर आओ। तो कल अब हम उनके घर जा रहे हैं, वो बहुत समय से बोल रहे थे कि मिलना है मिलना है मिलना है, तो हमने सोचा कि अभी हम फ्री है तो चल लेते हैं मिलके आते हैं। तो अभी हम लोग उनके जा रहे हैं तो उसके लिए हम तैयार हो रहे थे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी हम लोग निकलेंगे। अभी हमारी एक्चुअली मेड आई है तो वो काम कर रही हैं, फिर उसके बाद उनका जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम फटाफट निकलेंगे उनके घर के लिए। फ्रेंड्स आज का हमारा आउटफिट है ये और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। ये क्या एकदम ऐसे डिटेलिंग? हाँ चलो हैट ऑफ मैं अपने पहले दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ये है आरना का आउटफिट, टॉप पहना है, स्कर्ट पहना है, लेगिंग पहनी है और आरना जा रही है लैक्मे फैशन ऑफ द वीक में है ना। और ये है मेरा एक पुलओवर और नीचे जीन्स, आई एम नॉर्मल इंसान यार क्या करें। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वो फ्रेंड के घर के लिए। So, अभी हम लोग कार में आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। आपको पता है जो हमने पौधे लिए थे ना प्लांट्स, उसमें ना सिल्क बॉम करके कीड़ा होता है वो आया। मैं काम करूंगी वो ना सिल्क बॉम वाला कीड़ा दादी को दे दूंगी, वो उससे मेरे लिए फ्रॉक बना देंगी। बेटे बेटे मौज कर दे। अभी हम लोग उनके घर आ चुके हैं जिनसे हमें मिला था। गोपू तो रिद्यांश, ये हम बालवी से इन्हें गोपू ही बोलते आ रहे हैं। मेरे को पर अच्छा लगता है जब आप लोग गोपू बोलते हो, मेरी पुराने यादें ताजा हो जाती हैं। इन्हें बाद में लेना गोपू हम लोग। हाँ अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू। हाँ गोपू बहुत पतला हो गया। पापा वो दौड़ा देते हैं, बोले चल भैया कैसे हो अभी? छह बजे के बाद तो बिल्कुल खत्म ही आ रहा हूँ। अभी हम रिद्यांश की बालकनी में और रिद्यांश बोल रहा है कि वीडियो मत बनाओ। रिद्यांश ध्यान से ये देखिए कितनी मस्त बालकनी है रिद्यांश की। अरे गोपू देखो गोपू चढ़ गया, लेकिन देखो व्यू कितना मस्त है ना। हाँ हाँ बोल रहा है प्लीज वीडियो मत बनाओ। गोपू आप इस पर ट्रेडमिल करते हो ना? ओहो गोपू टिकटॉकर बन गया। गोपू इतनी बड़ी रील लाइट, व्हाई यू बिकेम टिकटॉकर? टिकटॉकर तो था ही मैं भैया, टिकटॉकर तो था ही 400 के वाले, लेकिन अभी रीलर बन गया रीलर। अरे गिफ्ट आज अनबॉक्सिंग करते गिफ्ट क्या दो अनबॉक्सिंग का आएगा वीडियो। ठीक है चल इसमें मिल जाएगा, इसको कट कर दूंगा कट कर। ये देखो ये गोपू इतना सा था और अभी इतना हो गया। हम गोपू के ठीक है बोलो। अभी हम ले रहे हैं फ्रूटी के मजे विद बालकनी विद गोपू। हां गोपू चेस एंड गोपू इज मालवनी। गो बोला शेयर नहीं करो चाहिए, हवा में चेयर करते अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सो अभी जो है रिद्यांश आरना को बलून फुलाना सिखा रहा है। चलो रिद्यांश अभी आप नया एक बलून निकालो और आरना को बताओ सारे खराब मत करो।
वापस से ठीक है। ओके ये बलून है हाँ। तो पहले बताओ कैसे सीखेंगे। पहले आप अपने मुंह से बलून को भरेंगे। इतना मेरे को आता है। ओके यू कैन आल्सो यूज पंप्स। ओके ये हो गया। यस अब आसानी से बस करना क्या है इसको यहाँ ये फिंगर रखी हाँ। ये वाली और इसको ऐसे हाँ जी, ये वाली मिडिल फिंगर हाँ, ओके। इसको ऐसे रोल किया ऐसे। अब यहाँ पे जो स्पेस है ना ये, ओके हाँ, यहाँ पे जो सेंटर में स्पेस है हाँ, हाँ। उसमें बस इस जो हमने ये किया था सर्कल उसको ऐसे पुल करना है और फिर टाई कर देना है। ये हो गया। ये है विद्यांश ने बना दिया उसका बलून और अभी हवा में। ये क्या था? ये क्या था? ओजोन लेयर में डिप्लीशन कर रहे हैं आप। थोड़ी गलती हो गई। अच्छा ये लोग अभी तक शूट कर रहे हैं, पता नहीं क्या तो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इन लोगों का चैलेंज जल्दी विद्यांश के चैनल पे आ जाएगा, तो प्लीज वेट इसके चैलेंज के लिए। इन लोगों ने चैलेंज भी बना लिया है और हम गोपू के लिए मतलब विद्यांश के लिए लाए थे उसका पोस्ट बर्थडे गिफ्ट। एक्चुअली जब उसका बर्थडे आया था 5 मार्च को तब वो बेचारा कहाँ था बताओ बताओ आप किधर थे? मस्ती कर रहा था, वेकेशन मोड पे था तब गोपू, तो इस वजह से इसका बर्थडे बना नहीं था, फिर लॉकडाउन लग गया तो बेचारा बना नहीं पाया, तो इसलिए हमने कहा कि गोपू का गिफ्ट तो पेंडिंग है तो गोपू का गिफ्ट तो उसको देना ही पड़ेगा ना। ये खोलने में लगी हूं। ओहो तुम चॉकलेट खोल रही हो तो गोपू को खोलने देना, गोपू ही खोल देगा। क्या यार गोपू यार तुमसे निकल रहा चॉकलेट यार। अरे गोपू स्क्रू ड्राइवर ले खोल दे आशु तू, आज तो चॉकलेट भी खोल दे। अभी हम लोग खाना खाने वाले और अभी टाइम हो रहा है 2:30 नहीं कितना हो रहा है 3:00 हो रहा है ना। ये इतने गुस्से में क्यों है ये देखो इतने गुस्से में। नहीं मारा पीटी खाने के समय मारा पीटी नहीं होती। चलो चलो शांत शांत। सो आंटी ने बनाया है छोले पूरी और चावल और दाल भी है लेकिन मैंने अभी नहीं ली है। गोपू आप भी वही खा रहे हो ना? हाँ उनकी प्लेट वहाँ है मैं टेबल पे खा रही हूँ। आपको खाने के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों का खाना पीना सब हो चुका है और फ्री टाइम में मतलब मम्मी लोग अभी खाना खा रहे हैं खेल रहे हैं और हम लोग खेल रहे हैं। वैसे तुम लोग क्या बना रहे हो बताओ जरा। हम एक रोबोट बना रहे हैं। अरे कार बनाओ भाई रोबोट नहीं। अरे हमने कुछ तिकड़म से रोबोट बनाने की सोचा है तो तुम तिकड़म ही लगा सकते हो दोनों। अरे वो कार्स का वो दिखाया नहीं गया उसमें कैसे बनाएंगे तो काम करो यूट्यूब देखो यूट्यूब। अरे तो हम बाद में देख लेंगे ना अभी हमने जो काम स्टार्ट किया है हम वो बनाएंगे। अच्छा वो देखिए गाइस अभी मतलब दोपहर में वैसे यूजुअली सब सोते हैं और वो देखिए वहाँ पे देखो डॉगी देखो कितने मस्त तरीके से सो रहे हैं कार के ऊपर वो भी एंड दैट टू नॉट ओनली लाइक नॉर्मल कार जैसे कि वहाँ पे वो 800 भी खड़ी है उसके ऊपर नहीं वो सोना है तो सीधा एसयूवी के ऊपर। ये देखिए कितनी मस्त आराम से सो रहे हैं मजे है भाई मजे। गोपू जो है पानी पूरी पानी पीने गया था लेकिन वो ये बहाना बना के गया था कि पानी पूरी खाएगा मतलब एक्चुअली उसने बोला था कि मैं पानी पी के आता हूँ लेकिन ये पानी पूरी खाने जा रहा था है ना। अरे अरे गोपू यही था ना गोपू का गोपू रिंग लाइट में गिरा देना। गोपू ने अपनी यहाँ पे वो एक क्या बोलते हैं उसको बूट कैंप बना के रखा है। चलो बूट कैंप तो दिखाओ गोपू बूट कैंप तो दिखाओ ठीक है बस वो बूट कैंप की गन ले। ओ माय गॉड देखो पबजी का बैग भी है लेवल 3 का। गोपू बूट कैंप का वो लेके आ बूट कैंप से एक गन लेके गोपू अपनी बूट कैंप से गन ले आया है। गोपू कौन सी गन है वो? ओ माय गॉड ओम निकाल के लाया है गोपू। ओए ग्रेनेड भी लाया है गोपू ऐसे नहीं करते। ओहो तो आर्नो और गोपू ने उनका तीसरा चेंज भी कर लिया और मैं अब तक देखिए इसमें ही हूँ क्या करें देखो हम तक इसमें ही हैं। और यहाँ और ये देखो गोपू और बिट्टी को कितनी जल्दी फटाफट तैयार हो जाते हैं यार गोपू तो देखो स्टाइल ही हटके है। चलो भाई गजब बेइज्जती। अभी हम लोगों ने वीडियोस भी बना लिए हैं और अभी ये लोग थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं क्यों बच्चा बैठी क्या कर रहे हो मुझे भी दो। ओहो रिद्यांश अभी लेके आया है कैरम। रिद्यांश कहाँ से लाते हो इतनी चीजें इतनी सारी आपके पास सामग्री है आपने घर में बूट कैंप बना के रखा है। हाँ ये मेरे पास
हाँ तो भाई मैं पूछ रहा हूँ मतलब इतना सारा कैसे संभाल लेते हैं। अरे वाह, चलो शुरू करें फिर। वो तो व्हाइट की 20 पॉइंट्स है और ब्लैक की 10 पॉइंट्स है। इसकी 50 ना रेड की पीछे नहीं जो ओके। देखिए अभी आरता ने गोपू का मेकअप किया है। गोपू इधर गोपू इधर गोपू इधर क्या कर दिया देख गन ले आई। अब तू सोच ले गोपू, अब देख तेरे सामने गन है नहीं है पता है गनी गनी मार दी गोपू कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी गोपू ने जो ये डिस्को लाइट ऑन कर दिया है और गोपू अभी मस्त गाने ही बजा रहा है। गोपू मैं डांस करके खुद दिखाऊं। ओहो गोपू वाओ। गोपू तो फुल एंड पार्टी मोड है गोपू। अरे रुक गया जरा डिस्को। ओहो चल गया। खा रहे पानी पूरी और साथ में गोपू डांस कर रहा है। A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात की 11 और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। काफी लेट हो चुका है और आज हमें गोपू क्या बहुत मजा आया। गोपू अरे फिर गोपू बोल रहा हूँ रिद्यांश रिद्यांश क्या बहुत मजा आया। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया। अब गोपू तू हमारे घर कब आ रहा बता। मैं जल्दी आता हूँ। मैं सैटरडे संडे के अराउंड आ जाऊंगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ। सैटरडे संडे पक्का बोल एकदम पक्का पक्का। तो फिर फैंस वेट करेंगे अपने। ठीक है ठीक है तो चलो नेक्स्ट सैटरडे संडे अगर गोपू नहीं मिला तो फिर आप मुझे कमेंट करना। ओके ओके चल बाय गोपू बाय। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और बीच में अभी ट्रैफिक क्यों है, एक तो लाइट है और ऊपर से कोई जोमेटो वाले अंकल आंटी टोमेटो बन गए हमारे। चैलेंज वीडियो था जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड। अभी उसमें हमने मंगाया खाना लेकिन हुआ क्या कि जोमेटो वाला हमें बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। हमने मंगाया था थोड़ी दूर से बोलता है मेरा एक्सीडेंट हो गया आपका जो खाना था वो पूरा वो एक्सीडेंट में वहीं रह गया है तो आप प्लीज कैंसिल कर दीजिए। फिर उसके बाद मैंने बात की जोमेटो से फिर रिफंड आया। अब पता नहीं उसने क्या किया वो सामान का वो खा गया या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो एक्सीडेंट जिस हिसाब से बोला था जिस इंटेंशन इंटेंसिटी से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ। पहले बोल रहा था कि मैं हॉस्पिटल में फिर बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ अलग ही लग रहा था झूठ बोला लेकिन अभी क्या कर सकते जानने दो। उनको खाना खाना होगा भूख लगी होगी तो हमारे ही खा लिया। जोमेटो के किस्से देखिए वहाँ पे कुछ तो हुआ लफड़ा सा हुआ है बेटे क्या हुआ है यार जो ट्रैफिक नहीं होता ना उधर ही खड़ा होता ना मैं देखने लगी। फ्रेंड्स अभी हम लोग वापस घर आ चुके हैं और मम्मी ने बनाया हमारे लिए बारिश के मौसम में मैंगो शेक। अब फेस पे अपने भी तो लाइट लाओ। हाँ अब बताओ हमें बारिश के मौसम में आम कहाँ से मिला। शॉप से नहीं सब्जी वाले से। सब्जी वाले तो चला यार अभी ज्यादा वो नहीं करते अपन सीधा आम रस पीते फिर सोते हैं। ओके A few moments later. आप लोग सोचोगे कि बिट्टू भैया किधर है। बिट्टू भैया भी उनके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो वो सो चुके हैं। सो मैं ही कर रही हूँ आज की व्लॉग की एंडिंग। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबाइए घंटी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग अस कीप वॉचिंग अस स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।